रंधावा साहब जिहड़ा तुसीं अज बाइकाट कीता जीओ दीआं सिमां वेचंदा जीओ दे फोन वेचंदा कि इहदे नाल तुहाडे बिजनेस नूं कोई फर्क नहीं पवेगा? गल साढ़े बिजनेस की नहीं आ, गल इस वक्त किसानों की आ। अं भी किसान हाँ, जे किसान जींदा नहीं ना रहेगा तो किसी का भी बिजनेस जींदा नहीं रहेगा। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁਕਾਨ। केंद्र सरकार वालों पास किए गए कानूनों खिलाफ लगातार देश के किसानों का विद्रोह वाधा ही जा रहा है। सो हुण एक पासे तो दिल्ली विखे किसान मोर्चा लगा के बैठे हैं, दूसरे पासे हुण वख वख जिहड़ियां होर जथेबंदियां जां दुकानदार आ उन्हां वालों भी किसानों अपना भरवां समर्थन दिता जा रहा है। अज जिला तरन तारण अधीन आउंदे कस्बा कंग दे दुकानदारां ने जिहड़ियां पतंजलि दीआं वस्तां जां जीओ दीआं सिमां जीओ दे फोन वेचण दा प्रोपर बाइकाट कीता है। साडे नाल दुकानदार रविंदरजीत सिंह कंग मौजूद हैं, इन्हां नाल आपां गलबात करते हाँ। हाँ जी कंग साहब, अज जिहड़ा तुसीं जीओ दीआं सिमां वेचण दा जां पतंजलि दा समान वेचण दा दुकानदारां ने सारे ने रल के मीटिंग मता पा के जिहड़ा बाइकाट कीता उह किस मकसद नूं लै के कीता गया जी? हाँ जी, इस तरह वा जी, जो काफ़ी तिना चौं महीनों तो लगातार जथेबंदियां संघर्ष चल रही वा ते नाल जो मोदी सरकार पांच कानून मैं कहूँगा काले लेके आई आ, जिदे च बिजली सोध एक्ट 2020 ते पराली वाला ते तीन दूसरे, इन्हां दा वर्ल्ड लैवल ते विरोध हो रहा वा, जिदा करके इत्थे साडी जथेबंदी वालों दुकानदार संघर्ष कमेटी दी बकायदा इत्थे इकाई गठित आ। लगातार हर संघर्ष हर मोर्चे च बेशक वह देवीदासपुर वाला मोर्चा होवे, बेशक अज दिल्ली होवे, सहयोग मिल रहा वा। तो अज इन्हां ने सारयां दी एकत्रताई करके ये फैसला किया वा भी जिन्ना चिर तक मोदी सरकार जिहड़े आ अपने वो अपने कानून वापस नहीं लेंदी, क्योंकि इस वेले वर्ल्ड का स्टेट लैवल का मसला बन चुका वा। मान योग सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किसानों के हक च दिता वा, पर मोदी सरकार का जो अड़ियल वतीरा वा वो मुताबिक वो टस तो मस नहीं हो रहा। जोड़ा ये पिंड लैवल तो लैके हर जगह का विरोध आ, तो अज इन्होंने ये पास किया वा इतों के दुकानदार ने, समुचे दुकानदार ने, बेशक वो करियाने वाले होन जीओ दियाँ सिमां वाले होन, उन्हां सारयां ने फैसला किया वा भी जिन्ना चिर तक मोदी सरकार अपने कानून वापस नहीं लेंदी, अबानी अडानी की जिहड़ी उन्हां हथ नहीं कर ली आ, जिहड़े उहदे सीरी बन गया मोदी सरकार, वो अपने कानून वापस नहीं लैंदा। अबानी अडानी की किसी चीज़ नूं जिहड़ा उह खरीदया नहीं जाऊगा, वेचया नहीं जाऊगा, उहदे च जीओ दियाँ सिमां दे ना रीचार्ज किए जाणगे ते ना नवे फोन वेचे जाएंगे, तो नाल जिहड़ा नाम देव्या वो डेढ़ कख वाला उन्हें जिहड़ा पतंजलि का ये किया वा उन्हां दे हक च भुगतरिया मोदी दे, उहदा भी बिल्कुल अपने इत्थों दुकानदारां ने किया वा भी बाइकाट करांगे, तो लगातार ये विरोध जारी रहेगा जिन्ना चिर तक कानून वापस नहीं होंदे। साढ़े नाल रंधावा टैलीकॉम के मालिक मनजिंदर सिंह रंधावा जी मौजूद हैं, इन्हां नाल गलबात। रंधावा साहब, जिहड़ा तुसीं अज बाइकाट किया जीओ दीआं सिमां वेचण दा जीओ दे फोन वेचण दा, कि इहदे नाल तुहाडे बिजनेस नूं कोई फर्क नहीं पवेगा? गल साढ़े बिजनेस की नहीं आ, गल इस वक्त किसानों की आ। अं भी किसान हाँ, जे किसान जींदा नहीं ना रहेगा तो किसी का भी बिजनेस जींदा नहीं रहेगा, क्योंकि सारे निर्भर बहुते जिहड़े किसानों पर निर्भर है। साडे जिन्ने दुकानदार भीर है ना, जिन्ने टैलीकॉम वाले है ज करियाने वाले है, सारे ने एक राय की एक मता किया वा, जिन्ना चिर यह किसानी संघर्ष चलेगा ना उन्ना चिर अं कोई भी प्रोडक्ट जरा अडानिया बानिया का जड़ा ना वो वेचना नहीं गा, उसते पूरी अं पाबंदी लाती भी नहीं वेचा, साढ़े जिन्हें मर्जी गाहक मुड़ जाए सू गाहकों पर नहीं आ। इस वक्त किसानों की गल आ, जे किसान जींदा रहेगा तो किसी का बिजनेस चलेगा, सूँ इन्नी गल की समझ लग गई है। जे अज निके निके बच्चे मतावं भैं जड़ियाँ वा उत्थे इन्नी ठंड के बैठे ने मोर्चा ला के, तो अं जे इतने बैठे अं इन्ना काम जरूर कर सकते हैं भी इन्ह का जड़िया सिमां वा जां रीचार्ज आ जां कोई भी करियाने का समान साढ़े वीर ने कहा वा भी अं उन्ना चिर जिहड़ा वा नहीं वेचांगे, जिन्ना चिर किसानां नूं जिहड़ियां इन्हां दीआं बणदीआं मंगां वा उह नहीं मन्नियां जांदियां। साढ़े नाल कस्बा कंग दे दुकानदारां ने गलबात कीती है, दुकानदारां ने कहा है कि वह बिल्कुल किसानों का समर्थन करते हैं संघर्ष के, उन्ना चिर
जियो दियां सिमां जियो दे फोन वेचण दा जां पतंजली दा समान वेचण दा प्रोपर बाइकाट करदे हन। जिन्ना चिर तक किसानां नूं इंसाफ नहीं मिल जांदा, केंद्र सरकार अपने जिहड़े कानूनां नूं वापस नहीं ला लैंदी। प्राइम उदे टीवी लई खडूर साहब तों कैमरामैन जी खालसा दे नाल मान सिंह।